अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और शुक्र अल्लाह का मैं आप ठीक हूँ। अभी नाश्ता करके तो मैंने वैक्सीन लगवाने जाना था। अच्छा, वैक्सीन लगवा के ना 3 दिन, जिस दिन मैंने वैक्सीन लगवाई ना उस दिन लेट नाइट मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। बुखार हो गया था और जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था ना, और फिर 3 दिन मेरी तबीयत ख़राब ही रही। 2 दिन मुझे बुखार रहा और वैसे ही तीसरे दिन ऐसे निढाल और जैसे बुखार के बाद होता है, तो 3 दिन मेरी तबीयत ऐसे ख़राब रही। अब शुक्र है अल्लाह का मैं अब ठीक हूँ। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बना के तो अपलोड कर लूँ। मैंने कहा कहेंगे सारे किधर गायब हो गई है। अच्छा, ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना पिंक ग्रीन, इनमें मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चाय तो मुझे खैर वैसे भी बहुत पसंद है, लेकिन ना चाय आप मुझे जिस टाइम भी दो ना, दिन में जितनी दफ़ा मर्जी, तो चाय पीना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस चाय में मैं मीठा चाय में पीती हूँ। वैसे मैं मीठा पसंद नहीं करती, यानी कि जैसे खाने के बाद लोग मीठा वगैरह खाते हैं ना, तो मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं वैक्सीन लगवाने आ गई थी, आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर ड्रोने ड्रोने इंजेक्शन बने हुए हैं। तो अभी मैं वैक्सीन लगवाने आ गई थी, तो उन्होंने ना मुझे फिर से टाइमर दे दिया था। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी जो उन्होंने मुझे टाइमर दिया है। कि 15 मिनट आप वेट करें, अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो फिर हम आपको चेक वगैरह करेंगे, ये देखें। और ना ये टाइमर देख देख के मुझे जो टेंशन हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। अब हम लोग बस घर जा रहे थे, तो घर जाके बस मैं खाना बनाऊँगी और जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो खाने में आज मैं बना रही थी ज़ाफ़रानी मटन बिरयानी। उसके लिए जो मटन था ना, ये बहुत ज़्यादा, अगर आप मटन ऐसे बॉईल करके बनाएंगे ना, तो बहुत लाइट और ना मज़े की बनेगी। मैंने हाफ़ के जी मटन ले लिया था, उसमें मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के ले लिए थे, हाफ़ प्याज ले लिया था, और हाफ़ क्या छोटा ही था बहुत। तो उसमें मैंने नमक और अदरक डाल के ना, तो मैंने उसको प्रेशर लगा के तो मैंने उसको फुली कुक कर लिया था। अब मैं प्याज हल्के से ब्राउन करूँगी, गोल्डन करूँगी, और उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और मटन डाल के फिर मैं अच्छी तरह से भून लूँगी।
अब देखिए जैसे प्याज गोल्डन हुए ना, मैंने मटन और तेज़पात डाल के अच्छी तरह से भून ली है। और अब मैं इसमें बिरयानी मसाला एक पैकेट डाल दिया है। अच्छा, मैंने ना इसमें मटन बिरयानी मसाला शान का ऐड किया, आप वही डाला करें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है जब मटन बिरयानी बनानी हो। तो मैंने बिरयानी मसाले को ना पानी में मिक्स करके ऐड किया, आप भी पानी में मिक्स करके डाला करें, उससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब मैं इसमें योगर्ट डाल दिया था 2 से 3 टेबल स्पून, और अब मैंने इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ काट के। अब इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, इतनी अच्छी तरह से भूनूंगी कि ऑयल मसाले से अलहदा हो जाएगा। ये जो थोड़ी सी यखनी बची थी ना, मेरा ला हाफ कप से भी कम थी, वो मैंने ऐड करके अब मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें कितनी अच्छी तरह से बन गया ना मसाला। और दूसरी तरफ चावल भी बॉयल हो गए हैं, चावल बॉयल हो गए हैं। अब मैं तह लगा लूँगी बिरयानी की। अब मैं इसमें थोड़ा सा ना हैंडफुल पुदीना भी डालूँगी काट के, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, मैं ऐसे भी पुदीना डालूँगी फिर जब मैं तह लगाऊँगी ना बिरयानी की, तब भी मैं पुदीना डालूँगी बीच में, आप भी डालिएगा, इससे पुदीने से बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। पहले थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ जो मैंने मसाला तैयार किया है ना चिकन वाला, वो मैं अब मैं चावल डालूँगी। मेरी तकरीबन 2 ही तही लगी थी, तो 1/2 kg मटन था, मैं सारा मटन इसमें ऐड कर दूँगी और फिर चावल डाल दूँगी। बहुत मज़े की बनी थी। ये देखिए मैं पुदीना भी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो प्याज, लेमन, बहुत सारी लोग चीज़ें ऐड करते हैं, धनिया ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ना लेमन अच्छा नहीं लगता। और अब मैंने थोड़े से दूध में ना मैंने ज़ाफ़रान मिक्स करके रखा हुआ था, अब मैंने वो डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा कलर भी ऐड करूँगी और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। ये देखें जी, दम खुल गया। अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। आप भी मेरी रेसिपी ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाकी बहुत लाइट बनती है जब आप मटन ऐसे बॉईल करके बनाते हैं ना, तो बहुत लाइट बनती है, वैसे भी बहुत अच्छी बनती है लेकिन ऐसे थोड़ी लाइट हो जाती है। आप भी कहते होंगे ये खुद ही खाना बना के ना तो खुद ही तारीफ़ें करती रहती है, अगर मैं बताऊंगी नहीं कि कैसी बनी है तो आप लोग ट्राई कैसे करेंगे। तो बस मैं इसीलिए बता रही थी। बाकी उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।